गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन मैथ्स वीडियो क्लास। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 समझा, जिसमें हमने जाना कि ये कितने एंगल है और कौन से एंगल है, इनके नेम लिखे थे। एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, ये सब हम पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, लेकिन इसमें हमें करना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो सबसे पहले समझेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। तो जब आप पीछे जाएंगे पेज नंबर 90 पर, यहां देखो लिखा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है या नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से ऊपर भी लिखा है इक्वल एंगल। इक्वल एंगल तो समझ में आता है, बराबर एंगल जो होते हैं। ये देखो 50 डिग्री है, 50 डिग्री है, 50 डिग्री है, ये तीनों क्या है, इक्वल एंगल है। लेकिन हमें समझना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, कोई एक एंगल है हमारे पास, इसको मैं अभी आपको कॉपी पे समझाती हूँ। ये एक एंगल बना हुआ है, मान लो 90 डिग्री का एंगल एक बना हुआ है। इसमें से हमने दो एंगल बनाए, ये भी कोई एंगल होगा, मान लो ये 30 डिग्री का होगा, और ये भी एक एंगल होगा, ये बड़ा है तो ये 60 डिग्री का। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री हो, जैसे 60 डिग्री पहला एंगल है एंड दूसरा 30 डिग्री है, अगर इनका सम 90 डिग्री आता है तो ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे 50 एंड 40 डिग्री, इनको अगर हम ऐड करेंगे तो 90 आना चाहिए, तो 50 एंड 40 आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अगर मैं लिखूंगी 15 एंड 75, जब 15 और 75 को ऐड करेंगे तो 90 आएगा, तो 15 और 75 एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए किन्हीं भी दो एंगल का सम जो है, ऐड जब हम करें तो 90 डिग्री आना चाहिए। यहां देखें, ये कोई एंगल है एक्स ओ वाई, एक्स ओ वाई कैसे रीड करेंगे इसको, एक्स ओ वाई एक एंगल है 30 डिग्री, एंड दूसरा एंगल है जेड ओ वाई, जेड ओ वाई 60 डिग्री। 60 डिग्री एंड 30 डिग्री को अगर हम ऐड करें तो क्या बनाएंगे, ये जुड़ के 90 डिग्री का एक राइट एंगल बनाएंगे, तो ये हमारे कहलाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, या कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक दूसरे के ये कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएंगे। ठीक है, तो यही है क्वेश्चन नंबर 4, करते हैं। इसको कॉपी में सॉल्व कराती हूँ आपको। ठीक है, टेन का कॉम्प्लीमेंट्री हमें निकालना है, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। राइट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग। 10 डिग्री एक एंगल दिया हुआ है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है। तो हमने बताया था दो एंगल चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री के लिए, एक एंगल दिया है 10 डिग्री, तो दूसरा एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए जिससे कि सम 90 डिग्री हो जाए। तो तरीका होता है इसका करने का, लिखेंगे सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 10 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है, तो 90 डिग्री में से माइनस कर दो 10 डिग्री, तो हो जाएगा 80 डिग्री। तो नेक्स्ट कौन सा है, 80 डिग्री, ये है आंसर। 80 डिग्री 10 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। ऐसे ये वाला भी लिखेंगे सेम टू सेम, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 25 डिग्री। तो 90 डिग्री में से माइनस कर देंगे 25 डिग्री, तो आ जाएगा हमारा यहां पर 65 डिग्री। तो 25 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा 65, क्योंकि 25 में जब हम 65 को जोड़ेंगे तो मिलके बनाएगा 90 डिग्री, और वे आपस में कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएंगे।
तो ये एक लाइन का क्वेश्चन है, इस तरीके से करने हैं आपको क्वेश्चन। ऐसे ही एक क्वेश्चन और करा देती हूँ, चलो 45 लिखेंगे सिर्फ दोबारा से। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 45 डिग्री, तो 90 डिग्री में से माइनस कर देंगे 45 जो एंगल दिया हुआ है, तो निकल जाएगा हमारा नेक्स्ट दूसरा एंगल 45। तो 45 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 45। ओके, तो यही तरीका अपनाकर आपको क्वेश्चन नंबर डी ई एंड एफ अपने आप करने हैं सॉल्व। ओके, तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें बताना है कौन सा पेयर है, पेयर मतलब होता है जोड़ा, कौन सा एंगल का जोड़ा एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं। तो इनको हम जोड़ जोड़ कर देख लेंगे, तो अगर जोड़कर 90 डिग्री आ जाए तो वह बनाते हैं, अगर नहीं आए तो नहीं बनाते। ठीक है, तो इसको भी करेंगे, करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें बताना है कौन सा पेयर कॉम्प्लीमेंट्री है और कौन सा नहीं है। तो हम करेंगे सबसे पहले ऐड पेयर ऑफ एंगल, कौन कौन सा है, 140 डिग्री प्लस 40 डिग्री, इनको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 180 डिग्री, जो कि 90 डिग्री के इक्वल नहीं है। इक्वल पे जब हम इस तरीके से क्रॉस मार देते हैं तो वो इक्वल नहीं है कहलाता है। तो 180 डिग्री 90 डिग्री के इक्वल नहीं है, तो ये एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है, इट इज नॉट ए कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर बी, एड पेयर ऑफ एंगल्स, 45 को ऐड करके चेक करेंगे 35 से, तो कितना आ रहा है, फिर दोबारा से 180 आ रहा है, जो कि 90 डिग्री के इक्वल नहीं है। हमें पेयर का जो ऐड है वो चाहिए 90 डिग्री के इक्वल, तो अभी तक ऐड करके नहीं आ रहा है, तो इट इज नॉट ए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्वेश्चन नंबर सी, ऐड करेंगे ऐड पेयर ऑफ एंगल्स, 66 डिग्री में 25 डिग्री ऐड करेंगे, ऐड करेंगे 6 और 5 11 कैरी 1, तो अभी भी ये 91 डिग्री आ जाएगा, जो कि 90 के इक्वल नहीं है, एक डिग्री ज्यादा है ना ये, तो ये भी नहीं है। सॉरी बच्चों, इसमें एक मिस्टेक हुई है, क्वेश्चन में यहाँ पर 25 की जगह 24 है, तो जब हम 4 करेंगे तो यहाँ पर भी 24 बना देंगे, तो ये आ जाएगा 90 डिग्री इक्वल आ जाएगा 90 डिग्री के। ठीक है, 90 डिग्री इक्वल आ जाएगा 90 डिग्री, इसको लिखेंगे 90 डिग्री इक्वल हो गए 90 डिग्री के, तो नोट हटके ये आ जाएगा इट इज ए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, यहां पर 24 था, मैंने 25 लिख दिया गलती से। ऐसे ही नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर डी, ये आप चेक करेंगे इसको ऐड करके, अगर ऐड करके 90 के इक्वल आ जाएगा तो है कॉम्प्लीमेंट्री, अगर नहीं आएगा तो नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 5 का होमवर्क में करना है आप, एंड ये जो पीछे के क्वेश्चन है ये भी आप होमवर्क में करेंगे। ठीक है, तो इससे आगे के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए, बाय।